हेलो सिनेमा लवर्स, हाल ही में मडगांव एक्सप्रेस फिल्म रिलीज हुई है जिसका ट्रेलर देखकर ये लग रहा था कि ये फिल्म हमें भरपूर हंसाने वाली है और ये फिल्म ऐसा करती भी है। इनफैक्ट मैंने जितना सोचा था ये फिल्म हमें उससे कई गुना ज़्यादा हंसाती है। इस फिल्म की जो स्टोरी है यानी कि तीन दोस्त जो बचपन से ही गोवा घूमना चाहते हैं पर कभी जा नहीं पाते, पर जब वो बड़े हो जाते हैं तब फाइनली वो गोवा घूमने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनका वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा तो क्या होता है उनके साथ में, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और सच बताओ तो ये फिल्म आपको बहुत एंटरटेन करने वाली है क्योंकि इस फिल्म में हमें जोक से ज्यादा कॉमिक सिचुएशंस देखने को मिलती है और एक कॉमेडी मूवी में कॉमिक सिचुएशंस का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सिर्फ जोक सुनाकर ही लोगों को हंसाया जा सकता है, जो कि हमने गोलमाल अगेन और टोटल धमाल इन फिल्मों में दिखाई है। पर कॉमिक सिचुएशंस में ज्यादातर कोई डायलॉग नहीं होता है और स्क्रीन पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाती है जिसे देखकर ही हम अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाते और इसलिए फिल्म में कॉमिक सिचुएशंस को ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये फिल्म ऐसे ही कॉमिक सिचुएशंस से भरी हुई है, पर एक कॉमेडी मूवी में इससे भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है एक्टर्स की टाइमिंग, क्योंकि जब आपको स्क्रीन पर एक जोक सुनाया जाता है तो उस पर एक्टर्स का रिएक्ट होना भी उतना ही जरूरी है ताकि ऑडियंस उस जोक पर हंस सके। पर जोक पर रिएक्ट होने की भी एक टाइमिंग होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी जल्दी या तो लेट रिएक्ट करते हो तो किसी को भी उस जोक पर हंसी नहीं आएगी। पर इस फिल्म में जितने भी सभी एक्टर्स हैं उनकी टाइमिंग मुझे एकदम बढ़िया लगी, फिर चाहे वो जोक्स पर रिएक्ट होने की टाइमिंग हो या फिर डायलॉग डिलीवरी की टाइमिंग हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा देवेंदु और प्रतीक गांधी को। देवेंदु का जो कैरेक्टर है वो ओवर एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर है जो अपनी फीलिंग्स को ओवर एक्सप्रेस करता है और हम सभी के ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होता है। पर इस फिल्म में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो वो है प्रतीक गांधी की, क्योंकि उनकी कॉमेडी टाइमिंग सबसे परफेक्ट है और इससे पहले उन्होंने स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एकदम सीरियस और शार्प माइंडेड बिजनेसमैन होता है। और इस फिल्म में उसके पूरी तरह से ऑपोजिट कैरेक्टर को प्ले करना प्रतीक के लिए एक बड़ा टास्क था, पर फिर भी उन्होंने इसे बड़ी ही आसानी से कर दिखाया है। स्पेशली जब वो कोकेन में लतपथ हो जाते हैं तो उसके बाद में वो एक अलग ही कैरेक्टर बन जाते हैं और प्रतीक ने इन दोनों ही कैरेक्टर को बड़े ही स्मूथली प्ले किया है। इस फिल्म का सबसे बढ़िया जोक मुझे तब लगा जब ये तीनों ही गोवा में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में टैक्सी ड्राइवर उन्हें गोवा बीच तक पहुंचाने के 2500 रुपए मांगता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर का पैसा मांगने का जो तरीका है वो इतना कैजुअल है कि मेरा लिटरली हंस हंस के पेट दर्द कर रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि हम जो इंस्टाग्राम पे मीम्स देखते हैं उनका भी इस फिल्म में इनडायरेक्टली यूज किया गया है, जो कि अगर आप फिल्म देखते समय बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा। उनमें से जो मेरी फेवरेट मीम है वो तब आती है जब ये तीनों ही वड़ा पाव खा रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में जो वड़ा पाव की दुकान है उसे ध्यान से देखना भूलना मत। और इस फिल्म की जो स्टोरी है यानी कि तीन दोस्त बचपन से ही गोवा घूमना चाहते हैं और फाइनली वो गोवा घूमने के लिए जाते हैं, तो ये स्टोरी जानने के बाद में आपको ये फिल्म कुछ कुछ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर दिल चाहता है टाइप लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। बल्कि ये फिल्म देखते समय मुझे आज से 11 सालों पहले रिलीज हुई फिल्म की याद आई और वो फिल्म है गो गोवा गॉन, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हम देखते हैं कि तीन दोस्त एक दिन गोवा घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर वो गोवा के एक आइलैंड पे पार्टी करने के लिए जाते हैं। तब तक तो सब कुछ सही है, पर अगले दिन जैसे ही वो उस आइलैंड पे उठते हैं तब वो देखते हैं कि वो सभी लोग जो कल रात तक जिंदा थे अभी वो ज़ॉम्बी बन गए हैं और अभी वो इन तीनों के साथ साथ आइलैंड पे जो भी लोग जिंदा बचे हैं उन लोगों को मारना चाहते हैं। इस फिल्म में दिखाए गए जोक्स, कॉमेडी टाइमिंग और कॉमिक सिचुएशन सब कुछ टॉप ऑफ द लाइन था, पर फिर भी जब बात आती है इंडिया की बेस्ट कॉमेडी मूवीज की तब हमारे दिमाग में नाम आता है हेरा फेरी, गोलमाल, खट्टा मीठा और धमाल इन फिल्मों का। लेकिन गो गोवा गॉन भी हमें इन्हीं फिल्मों की तरह भरपूर हंसाती है, पर फिर भी ये फिल्म बहुत ही अंडररेटेड है और वो भी तब जबकि इंडिया की पहली जॉम्बी मूवी थी। और इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से रोमांटिक प्लस कॉमेडी मूवी को रोमकॉम कहा जाता है उसी तरह से इस फिल्म को एक नई फ्रेज दी गई थी और वो थी जॉमकॉम, पर फिर भी इस फिल्म को बहुत ही कम लोगों ने देखा है। और इस बात का अंदाज आप इस तरह से लगा सकते हो कि अगर ये वीडियो 1000 लोग देख रहे हैं तो पॉसिबल है कि इनमें से 10 से भी कम लोगों ने फिल्म देखी होगी। और इसी वजह से इस फिल्म के एंडिंग में जो इसका सीक्वल अनाउंस किया गया था जहां पर हम देखते हैं कि ये तीनों ही बोरिस और लूना बोरिस तो ये तीनों ही बरिस और लूना के साथ में गोवा के बीच पर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर जाने के बाद में वो देखते हैं कि वो जॉम्बी उनसे पहले ही गोवा में पहुंच गए हैं और इसलिए सभी दोबारा से एक्शन में आ जाते हैं। और इसी नोट पर इस फिल्म को एंड किया गया था और अभी तक जो हमें सब कुछ दिखाया गया था इसके सिक्वल में से और भी बड़े स्केल पर दिखाया जाना था, क्योंकि अभी तक जो सब कुछ हो रहा था वो गोवा के सिर्फ एक छोटे से आइलैंड पे हो रहा था, पर अभी जॉम्बी पूरे देश में ही फैल गए हैं। पर जो कि ज्यादातर ऑडियंस ने इस फिल्म की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से इस फिल्म के रिलीज के 11 सालों बाद भी इसका सिक्वल आज तक नहीं बन पाया है। उसी तरह मडगांव एक्सप्रेस के एंडिंग में भी हमें दिखाया गया है कि हमारा डोडो फाइनली लॉटरी जीत जाता है और प्रतीक की भी शादी है, तो इसी ओकेजन पे ये तीनों ही दोबारा से मिलने वाले हैं और इस बार वो गोवा से भी बड़ी एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो इस बार उनके साथ में क्या क्या हो सकता है हमें इस फिल्म के सीक्वल में यानी कि मडगांव एक्सप्रेस के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, पर क्या इस फिल्म का सीक्वल सच में आएगा या फिर इसका भी हाल गो गोवा गॉन जैसा ही होगा, तो इस बात का आंसर बहुत हद तक इस फिल्म के कलेक्शंस पर मैटर करता है। क्योंकि अगर ऑडियंस ने इस फिल्म की तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो कहना तो नहीं चाहता हूं, पर ऐसा होने के बाद में इस फिल्म का सीक्वल आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बॉलीवुड में से कई एग्जांपल्स देखे हुए हैं जहां पर फिल्मों के एंडिंग में उनका सीक्वल तो अनाउंस किया जाता है पर फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से या तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म करने की वजह से उनके सीक्वल पर कभी काम नहीं किया जाता। उसी तरह से अगर हम बात करें मडगांव एक्सप्रेस के कलेक्शन की तो इस फिल्म का बजट अभी तक ऑफिशियली तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग इस फिल्म का जो बजट है वो 20 करोड़ के आसपास
बताया जा रहा है। और इस फिल्म ने अभी तक 18 करोड़ के आसपास की कमाई करी है, जिसे अगर हम और भी डिटेल में देखें तो डे वन यानी कि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई 22 तारीख को फ्राइडे था, तो इस दिन फिल्म ने 1.5 करोड़ की ओपनिंग ली। इसके अगले दिन सैटरडे होने की वजह से बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, तो इस दिन फिल्म ने 2.7 करोड़ की कमाई करी। नेक्स्ट डे संडे होने की वजह से फिल्म ने सिर्फ इतनी कमाई करी जो थी 2.7 करोड़। डे फोर पर मंडे होने की वजह से इस दिन फिल्म के कलेक्शंस में थोड़ी सी गिरावट आई और फिल्म ने कमाई 2.5 करोड़, जो कि अगर आप मंडे के हिसाब से देखोगे तो इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन इसके अगले ही दिन फिल्म के कलेक्शंस में थोड़ी सी और गिरावट आई और इस दिन फिल्म ने 1.4 करोड़ की कमाई करी। डे सिक्स पर फिल्म ने कमाई 1.2 करोड़, डे सेवन पर कमाई 1 करोड़, डे एट पर कमाई 0.9 करोड़ और डे नाइन जो कि इस हफ्ते का सैटरडे था, तो इस दिन फिल्म ने 1.2 करोड़ की कमाई करी। इसके अगले दिन संडे यानी कि डे टेन पर फिल्म ने कमाई 1.4 करोड़, लेकिन इसके बाद वाले जो भी दो दिन थे यानी कि डे 11 और डे 12, इन दोनों ही दिनों में फिल्म ने अभी तक की सबसे कम कमाई करी है और वो है 0.68 करोड़। और अभी तक जो मैंने आपको सभी कलेक्शंस बताए वो इस फिल्म के नेट कलेक्शंस थे, क्योंकि यहाँ में सिर्फ नेट कलेक्शंस को ही गिना जाता है। और अगर ये फिल्म ऐसे ही 15 दिनों तक और थिएटर्स में रहती है तो ये फिल्म अप्रॉक्स 30 करोड़ की कमाई करेगी, जो कि इसे एक हिट तो बना देता है, पर तब भी इसका सीक्वल आने के चांसेस कम है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको गो गो गॉन का एग्जांपल दिया वो फिल्म 19 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने 38 करोड़ की कमाई करी थी, पर फिर भी उसका सीक्वल आज तक नहीं बन पाया है। पर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फिल्म का सीक्वल सच में आएगा? तो अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है तो इसका सीक्वल आ सकता है, क्योंकि इस फिल्म में हमें जो प्रतीक की लव इंटरेस्ट है यानी कि मरियम, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। और इसका मतलब ये है कि इस कैरेक्टर के लिए अभी तक किसी भी एक्ट्रेस को नहीं लिया गया है, और जब इस फिल्म का सीक्वल आएगा तब इस कैरेक्टर के लिए किसी पर्टिकुलर एक्ट्रेस को लिया जाएगा, जैसा कि हमें रिसेंटली केजीएफ में देखने को मिला था, जहां पर केजीएफ के चैप्टर 1 में हमें आदिरा और रमिका सेन का चेहरा नहीं दिखाया गया था, पर जैसे ही केजीएफ का चैप्टर 2 आया वैसे ही दोनों कैरेक्टर्स के लिए संजय दत्त और रवीना टंडन को कास्ट कर लिया गया था। उसी तरह से जब भी मडगांव एक्सप्रेस का पार्ट 2 आएगा तब इस कैरेक्टर के लिए किसी पर्टिकुलर एक्ट्रेस को लिया जाएगा। बस मेरी फिल्म के मेकर्स से इतनी ख्वाहिश है कि जिस तरह से आपने इस फिल्म में नूरा फतेही को लेने की गलती करी है, उसी तरह से इसके सीक्वल में किसी और एक्ट्रेस को लेने की गलती मत कर देना। और आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आप भी मेरी तरह से चाहते हो कि इस फिल्म का सीक्वल बने तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।